सभापति महोदय, सभापति अध्यक्ष महोदय, आदि सीमा सुरक्षा को लेकर अधीर रंजन जी चौधरी ने अपनी चिंता व्यक्त की है, लेकिन चुनौती जिसे दी जानी चाहिए उसको चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि सीधे मुझे ही चुनौती दे रहे हैं। लेकिन मैं आपके नहीं, ठीक, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सीमा सुरक्षा को लेकर हमारी सेनाएं पूरी तरह से चौकस हैं और पूरी मुस्तैदी से हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रही हैं। और मैं यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। अध्यक्ष महोदय, किसी को इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इस संबंध में मैं पूरी एक डिटेल जानकारी देना चाहता हूं कि भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर एक पर्सनल डिफरेंसेस, ये पहले से ही चले आ रहे हैं, बहुत पहले से चले आ रहे हैं। उनका यह कहना है कि हमारी सीमा यहां तक है, भारत का कहना है कि हमारी सीमा यहां नहीं है बल्कि हमारी सीमा यहां पर है। तो एलएसी को लेकर यह पर्सनल डिफरेंसेस ये दोनों देशों के बीच बहुत पहले से चले आ रहे हैं, और जिसका मूल कारण यह है कि भारत और चीन के मध्य साझा रूप से अंकित कोई वास्तविक नियंत्रण रेखा नहीं है, यानी कोई इस प्रकार की वास्तविक एलएसी नहीं है। और भारत चीन सीमा के साथ लगे ऐसे क्षेत्र हैं जहां दोनों पक्षों की एलएसी की अपनी अपनी अलग अलग ये अवधारणाएं भी हैं, और दोनों पक्षों द्वारा एलएसी की अपनी अपनी अवधारणा तक गश्त किए जाने के कारण अतिक्रमण की घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं। इसे मैं स्वीकार करता हूं, कभी कभी पीएलए कुछ भीतर आती है, लेकिन यह भी मैं बताना चाहता हूं कभी कभी हमारे लोग भी उधर चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कहना माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय अधीर रंजन जी प्लीज, वैसे जो ये बात कह रहे हैं हमको अपना, अच्छा नंकित नहीं हुआ तब उसकी मैं उसका उत्तर देने का कोई औचित्य नहीं है। और आप जब सदन, माननीय एक मिनट रक्षा मंत्री जी, एक मिनट रक्षा मंत्री जी, माननीय सदस्यगण, जब चीज कोई रिकॉर्ड में नहीं आएगी तो आप यहाँ बोलोगे तो भी प्रेस में जाने वाली नहीं है। आज गंभीर विषय हो गया कि बिना रिकॉर्ड में प्रेस में जाती है तो उसके लिए कई सारे विषय उठ गए हैं। इसलिए आपने विषय, मैंने आपको विषय पूरे बोलने का दिया, रक्षा मंत्री जी को सुने पूरी बात। वैसे अध्यक्ष महोदय, मैं सीमा की सुरक्षा को लेकर अधीर रंजन जी को ही नहीं पूरे सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को मैं आश्वस्त कर चुका हूं, और मैं पूरी तरह से पुनः आश्वस्त मैं करना चाहता हूं, इसलिए उसको लेकर चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर एक पर्सनल डिफरेंसेस दोनों देशों के बीच हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा होती है कि कंफ्रंटेशन की स्थिति पीएलए यानी जो चाइना की आर्मी है और हमारे भारत की जो आर्मी है, इन दोनों के बीच कभी कभी जब कभी भी यदि कोई कन्फ्रंटेशन के भी हालात पैदा होते हैं तो बाद में सभी को इस बात की जानकारी होगी कितनी सूझबूझ से दोनों तरफ की जो है सेनाएं अपना परिचय देती हैं कि कन्फ्रंटेशन को कभी स्केलेट नहीं होने देती हैं, जो संघर्ष होता है उसको कभी बढ़ने नहीं देती हैं, कम से कम इतनी सावधानी बरती जा रही है। और इस प्रकार की स्थितियां जब भी अध्यक्ष महोदय पैदा होती हैं तो उनसे निपटने के लिए
हमारे भारत और चीन के बीच कई प्रकार के मैकेनिज्म्स हैं, जैसे दोनों सेनाओं के स्थानीय कमांडर्स के बीच पर्सनल मीटिंग्स होती हैं, फ्लैग मीटिंग्स होती हैं, हॉटलाइन जिससे कि इनकर्जन ट्रांसग्रेशंस एंड फेस ऑफ जैसी स्थितियों को नियंत्रित किया जाता है। और इसके अलावा कुछ लॉन्ग टर्म जो इश्यूज हैं उनको भी डिप्लोमेटिक लेवल पर भी रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म हमारे पास है, जैसे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स होती हैं, यानी उसमें भाग लेते हैं, और कभी कभी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन जिसे हम WMCC करके जानते हैं, इस सब स्तर पर भी बात होती है, कभी कभी ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर भी जो है बातचीत होती है। तो मैं यह आपके माध्यम से अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं कि भारत सरकार देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं के बारे में पूरी तरह से जागरूक है तथा समय समय पर इसकी समीक्षा हम लोग करते रहते हैं एवं उचित निर्णय भी लेते रहते हैं। भारत चीन सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, टनल, रेलवे लाइन और एयरफील्ड को डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित हो सके, इंश्योर हो सके, इसलिए यह सब सारे काम वहां तेजी के साथ हो रहे हैं। और इस समय जो भी हालात हैं उसकी सदन को मैं जानकारी दी है और मैं पुनः मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सीमा सुरक्षा को लेकर किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। श्री